ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। आज के वीडियो में हम एक मनोकामना पूर्ति के लिए ऐसा जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उसमें लाभ अवश्य मिलेगा, मगर जैसा बताए हैं वैसा ही करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है जरा सा भी इसमें बदलाव नहीं लाना है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र सटीक बैठ गए इस उपाय के साथ, तो निश्चित तौर पर आपको जल्दी बेहतरीन लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, तर्जनी उंगली से अपनी चकोर बनाना है। इसको बराबर ऐसे बांटना है, सिर्फ दो लकीरें बीच में जाएंगी। इसके पश्चात आपको एक और बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही। इसको बनाने के बाद आगे क्या करना है, ये हम आपको बताते हैं, मगर एक बात आपको और बताना चाहते हैं। यदि आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार किसी भी प्रकार की उपाय करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पर। इस पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, कागज पर टोटके नाम से ग्रुप है, इसमें 2200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यही वाला आपको ज्वाइन करना है, इसमें काफ़ी कुछ हम बताते हैं और इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, यानी कि आपका नंबर किसी को भी पता नहीं चलेगा जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। हमारा मैसेज आएगा आपको, फिर आपसे हम व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखना है आपको 81, इधर 9, इधर 7, इधर 4। याद रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। इधर लिखेंगे आप 811, 6, 87, 12। ये जैसे आप लिख देंगे, फिर आप इन दोनों को लकीरों को मिलाएंगे। बस मिला देना है। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो ठीक इस कागज के पीछे जो भी आपकी मनोकामना है वो साधारण पेन से लिख सकते हैं। जो भी आपके, या आप शादी करना चाहते हैं, या आप संबंध सुधारना चाहते हैं, या फिर नौकरी पाना, जो भी आपकी मनोकामना है वो साधारण अक्षरों में पीछे लिख भी सकते हैं। लिखने के पश्चात पहले ये जान लीजिए कि ये उपाय कब करना है आपको। सोमवार को करना है ये उपाय, या फिर आप रविवार को भी कर सकते हैं। 2 दिन बताए गए हैं। शाम को 4 बजे से पहले ये यंत्र आपको बना लेना है, और जब आप ये यंत्र बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके ये यंत्र बनाए। फिर जो हम मंत्र लिख कर दे रहे हैं, वह मंत्र आपको जपनी है। सप्तिक की माला होनी चाहिए। सप्तिक की माला से आपको नित्य, यानी कि रोज कम से कम एक माला, और ज्यादा से ज्यादा आप 11 माला का जाप कर सकते हैं, 1 से लेकर 11 तक। इस बात का ध्यान रखना है, पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जब आप मंत्र का जाप कर लेंगे, तो इस यंत्र को आप किसी साफ सुथरे सफेद रंग के कपड़े में रखकर घर में कहीं पर भी रख दीजिए, साफ सुथरी जगह पर रख सकते हैं। अगले दिन दोबारे से उसका इस्तेमाल करें, फिर वापस रख दें। ऐसा आपको नित्य करना है, और इसमें दिन नहीं गिनने हैं आपको, मंत्र का जाप करते जाएं। मान लीजिए आपने एक माला का जाप कर लिया, फिर आप एक ही करना चाहते हैं, और एक माला का जाप करने के बाद जो आपकी मनोकामना है, इस यंत्र के आगे धूप बत्ती दिया जला लें माला जपने से पहले। फिर जो आपकी मनोकामना है, माला जपने के बाद अपना हाथ जोड़ के, पूरा अपना समर्पण दे के इस यंत्र के आगे, आप जो भी आपकी मनोकामना आपने पीछे लिखी है आप उसी को दोहरा सकते हैं। पूरे मन से इच्छा आपकी ऐसे निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए आपकी वाणी में। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। तो हमारा सुझाव यही रहेगा, कम से कम एक माला अगर हम बता रहे हैं तो आप कम से कम 2-3 माला तो अवश्य करें। अगर समय की आपकी कमी है, अगर आपके पास समय की, अगर समय अच्छा खासा है आपके पास, तो आप 5 माला, 10 माला, 11 माला तक जाप कर सकते हैं। मंत्र
ओम ह्रीम, बस ओम ह्रीम आपको जपना है। याद रखिएगा पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करकर यह मंत्र आपको जाप करना है। यंत्र को अपने सामने रखना है, सामने का मतलब ऐसे सामने रख दीजिए आप, और चाहें तो जो सफेद कपड़ा आप जिसमें आप रखेंगे उस कपड़े में रखकर आराम से यंत्र को लेटा भी सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि आंखें खोलकर मंत्र का जाप करना है यंत्र को देखते हुए या सामने रख के। देखिए जब आप मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो आपको जो आपकी मनोकामना है उसके बारे में पूरा दिमाग लगाना होता है, ध्यान लगाना होता है। कहने का मतलब पूरा ध्यान लगा दीजिए कि ऐसा ऐसा आपके जीवन में होना चाहिए, और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। तो कई लोग होते हैं जो आंख खोल के अच्छा ध्यान लगा पाते हैं, तो अगर आप आंख खोल के अच्छा ध्यान लगा पाते हैं तो यंत्र को देखते हुए आप मंत्र का जाप करें। कई लोग होते हैं जो आंखें बंद करके अच्छा ध्यान लगा पाते हैं, तो आप आंखें बंद करके भी यंत्र को अपने सामने रखकर सप्तक की माला हाथ में लेकर मंत्र का जाप करें। जिस भी आसन पर आप बैठे हैं उस आसन का ध्यान रखें, साफ सुथरा आसन होना चाहिए, उस पर कोई गंदगी ना हो। तो ये कुछ बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है जब आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए, मान लीजिए आपने उपाय करा, मनोकामना पूर्ण हो गई आपकी, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको दो चीजें बता रहे हैं, इनमें से कुछ भी एक चीज आप कर सकते हैं। यंत्र को आप किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइएगा, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रखना, बाकी किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि उनके घर के आसपास या दूर पेड़ नहीं है इतने, ना वो रख सकते हैं, तो क्या करना है? तो आप इस यंत्र को कभी मंदिर में जाना हुआ वो आपका, तो मंदिर के आसपास कहीं पर भी रखकर आ सकते हैं, चाहे पेड़ हो या ना हो आसपास। तो ये आपको करना है, और जैसा हमने बताया बिल्कुल वैसा करना है, इसमें बिल्कुल भी आपको बदलाव नहीं करना है। और जैसे कि हमने बताया, दो चीजें और बताते हैं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे व्यक्तिगत तौर पे अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, और किसी तरीके से हमसे संपर्क नहीं हुआ जा सकता, ये हम पहले ही बता रहे हैं। कई लोग कमेंट में लिखकर चले जाते हैं ये गुरु जी का नंबर है इस पर कॉल करें, ये गुरु जी का नंबर इस पर कॉल करें, वो सब फ्रॉड है, दिक्कत हो जाएगी, वो पैसे मांग लूट लेते हैं। आपको नहीं करना है किसी भी नंबर पे, बहुत साधारण तरीका है, कई लोगों को नहीं पता होता टेलीग्राम का, इसलिए हमें बार बार दिखाना होता है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, टेलीग्राम को भी आप टेलीग्राम लिखें, इसको डाउनलोड कर लें अपने नंबर से, जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे इस पर सर्च करें, लिखें कागज पर टोट के, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, या फिर इसी नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे भी हमारा ग्रुप मिल जाएगा लिंक, इसको ज्वाइन करेंगे आप, जैसे ही हमारा मैसेज आपको आएगा, चाहे कुछ ही घंटों में आए मगर आएगा अवश्य। मंत्र नहीं लिखना है आपको कागज पर, सिर्फ और सिर्फ यंत्र बनाना है, इस बात का खासा ध्यान रखना है। तो बंधुओं ये उपाय करके देखें आप, निश्चित तौर पे आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दो तरीके, टेलीग्राम के द्वारा या फिर कागज पर ज्योतिष, हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पर, उसको भी सब्सक्राइब करें। यहां तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।